Now, another important statements which are present in VB.NET are option statements. Again, I repeat, another important statements which are present in VB.NET are option statements. There are four different option statements available in VB.NET that is, option explicit, option straight, option compare, and option infer. These are the four option statements which are available in VB.NET. वन बाई वन हम ये सारे स्टेटमेंट देखते हैं और इसके अंदर हम क्या सेट कर सकते हैं वो हम देखते हैं right. जो हम वेरिएबल यूज करेंगे अपने कोड के अंदर वो पहले डिक्लेयर किए गए होने चाहिए अगेन आई रिपीट ऑप्शन एक्सप्लेजिट स्टेटमेंट विल एनश्योर दिए वी आर यूजिंग इन अवर कोड मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर वी यूज दोबल्स मीन इन शॉर्ट वी कैन से ऑप्शन एक्सप्लिजिट हमें फोर्स करेगा कि अगर आपको ये पर्टिकुलर वेरिएबल को यूज करना है तो पहले आपको उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा राइट दिस इज द टास्क ऑफ ऑप्शन एक्सप्लेजिट स्टेटमेंट के वो हमें फोर्स करेगा कि अगर आपको वेरिएबल यूज करना है तो आपको पहले उसे डिक्लेयर करना ही पड़ेगा राइट नाउ द सिंटेक्स ऑफ ऑप्शन एक्सप्लिसिट इज ऑप्शन एक्सप्लिसिट दैट इज द नेम ऑफ द स्टेटमेंट एंड यू कैन सेट वन ऑफ द टू वैल्यू दैट इज ऑन और ऑफ राइट right? अगर मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑन सेट करती हूँ इट मींस मुझे कंपलसरी वेरिएबल को पहले डिक्लेअर करना पड़ेगा उसके बाद ही मैं यूज कर सकती हूँ लेकिन अगर मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट ऑफ सेट करती हूँ इसका मीनिंग ये होता है दैट विदाउट डिक्लेअरिंग द वेरिएबल आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल नेम इन माय प्रोग्राम लॉजिक राइट सो देयर आर टू मोड्स कि ऑप्शन एक्सप्लीजिट में हम वैल्यू सेट कर सकते हैं दैट इज ऑन ऑन मोड मोड एंड ऑफ अगर सेट करती तो कंपलसरी मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा तो ही मैं यूज कर सकती हूँ एंड अगर मैं ऑफ सेट करती हूँ इट मीन के इट इज नॉट कम्पल्सरी टू डिक्लेयर द वेरिएबल और अगर मैंने ऑप्शन एक्सप्लीजिट ऑन सेट किया है और वेरिएबल को यूज करने से पहले मैंने उसे डिक्लेयर नहीं किया है देन इट विल गिव मी कंपाइलेशन एरर again i repeat it will give me compilation error right and option explicit key default value kya hai? that is on by default option explicit hamesha on hi rahega. and another most important thing students yeah option statements will be the first statements in the code file again i repeat option statements will be the first statements in the code file कोड फाइल के अंदर हम बाकी सारा कोई भी कोड लिखना स्टार्ट करें उससे पहले हग, अगर हमें ये ऑप्शन स्टेटमेंट यूज करने हैं तो उसे हमें पहले लिखने पड़ेंगे राइट दैट इज कम्पल्सरी थिंग विच वी नीड टू रिमेम्बर दैट ऑप्शन स्टेटमेंट्स विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द कोड फाइल राइट ओके सो यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखा है राइट? कि ऑप्शन एक्सप्लिसिट का यूज क्या है अगर मैं ऑप्शन सेट करती हूँ राइट एंड आई एम विजुअल स्टूडियो असाइन किया बट बिफोर दैट वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है सो इट विल गिव मी कंपाइलेशन एरर बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिजिट ऑन सेट किया था इसीलिए सो so, अगर मुझे ये कंपाइलेशन एरर नहीं चाहिए तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे पहले ये नेम वेरिएबल को वेरिएयर करना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कर सकती हूं। लेकिन अगर मैंने यहां पे ऑन की जगह ऑफ सेट किया होता तो मुझे ये स्टेटमेंट के ऊपर कोई एरर नहीं मिलती बिकॉज ऑफ का मीनिंग क्या है दैट विदाउट डिक्लेरिंग द वेरिएबल आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर वेरिएबल विद इन माई कोड

तो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बिकॉज वहां पे कोई एरर नहीं आएगी बट इफ वी आर डूइंग नैरोइंग कन्वर्जन के जहां पे डेटा लॉस होने के चांसेस है तो वहां पे हमें कंपाइलेशन एरर मिलेगी अगर हमने ऑप्शन स्ट्रीट स्टेटमेंट को ऑन सेट किया है

नैरोइंग कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है अगर मैं डबल डेटा टाइप की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट करती हूँ लार्जर डेटा टाइप की वैल्यू को मैं स्मॉलर डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर असाइन करने जाती हूँ तो ऑब्वियसली देर आर चांसेस ऑफ डेटा लॉस सो वो नैरोइंग कन्वर्जन वहां पे मुझे रिस्ट्रिक करेगा अगर मैंने वहां पे ऑप्शन स्ट्रीट ऑन सेट किया है तो राइट सो दिनटेक्स ऑफ ऑप्शन स्ट्रीट इज सिमिलर टू ऑप्शन एक्सप्लिजिड राइट right? यहाँ पे हमें सेम लिखना है दैट इज ऑप्शन स्ट्रेट ऑन या फिर ऑफ दोनों में से कोई एक मोड हम सेट कर सकते हैं राइट एंड बाय डिफॉल्ट ऑप्शन इज इज ऑफ ऑफ अगेन आई रिपीट बाय डिफॉल्ट ऑप्शन 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 एक्सप्लिसिट की डिफॉल्ट वैल्यू ऑन थी लेकिन यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रीट की डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ होगी एंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि अगर हम कोड फाइल की बात करें देन दिस ऑप्शन स्टेटमेंट मस्ट बी द टॉप लाइन ऑफ द मतलब वो पहली लाइन होनी चाहिए राइट right? मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है फर्स्ट ऑफ ऑल आई मैंने एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑफ इंटीजर डेटा टाइप एंड उसके अंदर मैंने सेवन असाइन किया उसके बाद एफ वेरिएबल डिक्लेयर किया ऑफ डेसिमल डेटा टाइप एंड बी वेरिएबल डिक्लेयर किया बाइट डेटा टाइप फर्स्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ एक्स की वैल्यू को मैं एफ में असाइन कर रही हूँ मीन्स इंटीजियर वैल्यू को मैं डेसिमल वेरिएबल के अंदर असाइन कर रही हूँ सो ऑब्वियसली इट विल नॉट गिव मी एनी एरर, बिकॉज इंटीजियर इज द स्मॉलर डेटा टाइप एंड डेसिमल इज द लार्जर डेटा टाइप मीन्स मैं यहाँ पे वाइडनिंग कन्वर्जन कर रही हूँ और जहां पे भी मैं वाइडनिंग कन्वर्जन करूंगी वो एरर नहीं देगा लेकिन यहाँ पे मैंने इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को बाइट डेटा टाइप की वेरिएबल के अंदर असाइन करने की ट्राई की मीन्स ओवर हियर आई एम परफॉर्मिंग नैरोइंग कन्वर्जन और मैंने यहाँ पे ऑप्शन स्ट्रीट ऑन सेट किया है तो वो ऑब्वियसली मुझे नैरोइंग कन्वर्जन करने की परमिशन नहीं देगा दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट विल गिव मी कंपाइलेशन बाइट डेटा टाइप के वेरिएबल के अंदर असाइन करने की ट्राई की राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज दिग्निफिक राइट ओके नाउ अनदर ऑप्शन स्टेटमेंट इज ऑप्शन कंपेयर राइट right? मतलब हम यहाँ पे ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहे हैं वो हमें बाइनरी टर्म्स में करना है या फिर उसे टेक्स कंसीडर करके करना है अगेन आई रिपीट हम जो स्ट्रिंग कंपैरिजन कर रहे हैं वो स्ट्रिंग कंपैरिजन हमें बाइनरी वैल्यू के हिसाब से करना है या फिर उसे टेक्स कंसिडर करके करना है राइट right? वट इज बाइनरी एंड वॉट इज टैक्स वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं राइट सो ऑप्शन कंपेयर के अंदर ऑफ द टू मोड आएंगे दैट इज बाइनरी और एंड डिफॉल्ट क्या होता है? Compare, होता है ऑप्शन कंपेयर है मतलब वो उसे टैक्स वैल्यू कंसिडर करके ही कंपेयर करेगा लेकिन अगर मुझे बाइनरी के हिसाब से कंपेरिजन uh, करवाना है तो मुझे वहां पे सेट करना पड़ेगा दैट इज ऑप्शन कंपेयर बाइनरी राइट ओके So here is an example. मैंने पहले सेट किया है यहाँ पे ऑप्शन कंपेयर इज इक्वल टू टैक्स मतलब को को मैंने मैंने की है उसके बाद पे किया और उसके अंदर मैंने असाइन किया है हाई यहाँ पे आप नोट करना यहाँ पे आई स्मॉल है और यहाँ पे आई कैपिटल है बी वेरिएबल के अंदर भी मैंने हाई ही असाइन किया है लेकिन वहां पे आई कैपिटल में है राइट right? उसके बाद मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा दैट इज इफ ए इज इक्वल टू बी अगेन आई रिपीट इफ ए ये इक्वल टू बी मुझे ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज हाई वेर आई इज स्मॉलर एंड हाई वेर आई इज कैपिटल इफ वी कंपेयर इन टर्म्स ऑफ टेक्स्ट दिस बोथ वैल्यू आर सेम राइट right? इसीलिए वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑप्शन कंपेयर टैक्स सेट किया है लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ऑप्शन कंपेयर टैक्स की जगह बाइनरी सेट किया होता राइट right? तो मुझे ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स रिटर्न करके देता बिकॉज अगर मैं ये एच आई हाई एंड दिस एच आई हाई को बाइनरी के टर्म्स में कंपेयर करती हूँ तो कैपिटल एच की बाइनरी वैल्यू और यहाँ पे ये कैपिटल एच की बाइनरी वैल्यू तो कंपेयर हो जाएगी बिकॉज उसके आज की कोड सेम होंगे लेकिन यहाँ पे स्मॉल आई की बाइनरी वैल्यू और कैपिटल आई की बाइनरी वैल्यू डिफरेंट होगी बिकॉज दोनों के आज कोड डिफरेंट होंगे इसीलिए अगर मैं यहाँ पे टैक्स सेट करती हूँ तो ये कंडीशन ट्रू रिटर्न होगी लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन कंपेयर बाइनरी करती हूँ तो ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स होगी और वो एल्स पार्ट एल्स्यूट करेगा बिकॉज कैपिटल आई और स्मॉल आई की आज की वैल्यू डिफरेंट होती है इसीलिए उसकी बाइनरी वैल्यू भी डिफरेंट होगी सो स्टूडेंट दिस इज दिग्निफिकेन्स ऑफ द कंपेरिजन ऑफ द स्ट्रिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्स एंड बाइनरी अगर आपको सेम है कि नहीं है वो चेक करना है तो आप बाइनरी के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो लेकिन अगर आपको सिमिलर है वो चेक करना है तो आप टेक्स के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो बिकॉज वो वहां पे आस्की वैल्यू के हिसाब से कंपेयर नहीं करेगा राइट ओके एंड द लास्ट ऑप्शन स्टेटमेंट इज ऑप्शन इनफर ऑप्शन इन्फर का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं राइट तो वहां पे अगर हम वेरिएबल की डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देंगे तो तो वो डेटा टाइप के हिसाब से ही वो वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा लेकिन अगर हम वहां पे वेरिएबल के साथ डेटा टाइप नहीं स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हमें वो पर्टिकुलर वेरिएबल को किस हिसाब से कंसीडर करना है किस हिसाब से इन्फर करना है राइट right? इसीलिए ये ऑप्शन स्टेटमेंट का नेम है ऑप्शन इन्फर इट अनेबल्स लोकल टाइप इनफ्रेंस इन डिक्लेरिंग वेरिएबल वो पर्टिकुलर वेरिएबल को हम किस हिसाब से इन्फर करेंगे राइट दैट इज स्पेसिफाइड विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन इन्फर नाउ व्हाट इज द सिनारियो यहां पे हम ऐसे कंसीडर करते हैं सी बाय डिफॉल्ट ऑप्शन इन्फर की सिंटेक्स क्या है ऑन और ऑफ दोनों में से हम कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं राइट right? अगर हम ऑन सेट करते हैं अगर आप ऑप्शन इन फॉर ऑन सेट करते हो तो वहां पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो विदाउट स्पेसिफाइंग द डेटा टाइप लेकिन वो पर्टिकुलर वेरिएबल की डेटा टाइप वो क्या ले लेगा

अगेन आई रिपीट अगर मैंने ऑप्शन इन फॉर ऑफ सेट किया है तो वो वहां पे डेटा टाइप कौन सी ले लेगा, कर लेगा right? मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है राइट ऑप्शन इन फॉर मैंने यहाँ पे ऑन सेट किया है राइट फॉर्म लोड के ऊपर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज डीम वी आर वन इज इक्वल टू टू मैंने यहाँ पे डेटा टाइप कंसीडर नहीं की है डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं की है लेकिन मैंने वी ए आर वन को वैल्यू असाइन की है टू एंड टू इज द इंटीजर वैल्यू राइट टू इज द इंटीजर वैल्यू दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ऑप्शन इन फॉर ऑन सेट किया है इसीलिए बाई डिफॉल्टे वी ए आर वन इंटीजर डेटा टाइप के हिसाब से वो डिक्लेयर कर देगा

मैंने यहाँ पे सेम स्टेटमेंट डिक्लेयर किया है सी डीम बी ए आर वन इज इक्वल टू टू लेकिन मैंने यहाँ पे ऑप्शन इनफर ऑफसेट ऑफ सेट किया है राइट right? ऑप्शन किया है इट मीन यहाँ पे वैल्यू के हिसाब से वेरिएबल की डेटा टाइप नहीं कंसिडर करनी है इसीलिए दिस बी ए आर वन विल बी डिक्लेयर एज ऑब्जेक्ट टाइप अगेन आई रिपीट दिस बी ए आर वन विल बी डिक्लेयर एज ऑब्जेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट दट इज ऑप्शन एक्सप्लेट ऑप्शन स्ट्रीट ऑप्शन कंपेयर एंड ऑप्शन इन्फर के जो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग करने में यूजफुल होते हैं राइट सो नाउ अगर आपको कोई डिफिकल्टी है कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे